साथ बुलाई हुई और तमाम आप पुरुषों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज गए हैं। अंत्य जी मंच पर हमारे अतिथिगण और आज जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, समाज के श्रीमान गुणमान पूर्णमान धनमान सभी को जय रहे नमो बुद्धाय। शायद मैं उधर बैठ के सुनना था तो आवाज के लिए कोई नहीं होनी नहीं होनी
पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हो जानते, मेरी कोई गारंटी नहीं, ना मैं गारंटी लेना चाहता। इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म के शास्त्र गवाह है, एक केवल इस संसार के अंदर पूजने माता मा जी ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने कोख से अपने चार चार बच्चे बन गए ताकि मेरे समाज के बच्चे सुखी रहें, और जिन माताओं को देवियों को हम पूज रहे, समाज पूज रहा है, उन्होंने आपके बच्चों की बलि ली है। माता रमाबाई ने अपने बच्चों की बलि दी ताकि समाज के बच्चे सुखी रहें, और नौ देवियों ने आपके बच्चों की बलि ली ताकि हिंदू धर्म सुखी रहे। ऐसी माँ इस दुनिया में ना आज तक पैदा हुई और ना पैदा होगी। इतिहास का गवाह पढ़ लेना, मेरी बात मत जाना। माता रमाबाई जी भी जानती थी कि जिन बच्चों को उन्होंने लाड़ प्यार से अपने कंधों पे झुलाया हमारे खातिर, उन बच्चों की अपने कंधों पे लाशें धोई हैं। लेकिन आज हमारी वजह से, मैं ये कर आपकी वजह से, आपकी वजह से मैं कहूँ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मेरी वजह से हमारे समाज की महिलाएं पाचोटे पचोटे गुड़गमा जामा जालना पकड़ा काटना तीर्थ यात्राओं पे और काली पर तुम देख ली 22 जनवरी को मोदी ने जो कहा वो मेरे समाज के लोगों ने किया, इसके कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि आप जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं जिम्मेदार हूँ। और जिस समाज के लोग, जिस समाज के विद्वान लोग आलसी हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, उस समाज का विनाश होने से तो रोक नहीं सकता। और आप और जल्दी कीमत चुकाओगे एक दूसरे से, मैं इस टाइप की बात खत्म करूँगा। महिलाएं आपके कहने से आए ना आए, आपके कहने से जुड़े ना जुड़े, वो आप देख लो, लेकिन एक हाथ जोड़ने की जरूरत करूँगा, यह जितने भी विद्वान बैठे हैं, जितने भी बाबा साहब के अंदर बैठे हैं, जितने भी ओबीसी कड़ाई करने वाले हैं, जितने भी मूल निवासी कड़ाई करने वाले हैं, जितने भी जाति भी ही समाज की स्थापना करना चाहते हैं, आप बस एक महीने में आप केवल एक 30 दिन में 15 नहीं 30 दिन में 7 नहीं, लेकिन एक महीने में एक वाल्मीकि समाज के किसी भी बच्चे को, मित्र को आप उससे दोस्ती करें और बहुजन समाज के मिशन में लेकर के आए, उनके बिना भी हम अधूरे हैं। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप यदि वास्तव में शीलवान हो, विद्वान हो, धर्मार्थ हो, गुणवान हो या तो मेरे मान हो, लेकिन ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि 30 दिन में, एक महीने में कम से कम एक वाल्मीकि मित्र को आप अपने मिशन में लाने की कोशिश करें। भाईचारा कभी होगा, इसके साथ जय भीम, नमोदय, थैंक यू।